हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के मुख्यालय में शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प रैली के माध्यम से न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। पेंशन संकल्प रैली में हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों द्वारा जिला मुख्यालय तक रैली निकाल कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। शेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में संघ के कर्मचारियों ने नारा दिया कि जिस सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा वही देश व प्रदेश में राज करेगी। एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश की मौजूदा सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो फिर आने वाले मानसून सत्र में प्रदेश भर के करीब 1.25 लाख कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए, पेंशन बहाली हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए जो है आज सड़कों पर हैं। हर जिले में हमारी पेंशन संकल्प रैलियां हो रही हैं। जहां तक बात रही नाराजगी की तो कुछ हद तक कर्मचारी नाराज भी हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द पेंशन बहाली की घोषणा करेगी। अगर नहीं करेगी तो कर्मचारी की नाराजगी जो और बढ़ती जाएगी। संकल्प रैलियाँ भी चली हैं, आज 7वां जिला हमारा है, इसके बाद 5 जिले और बच रहे हैं, तो सारे हमारे जिले में संकल्प रैलियाँ होंगी और उसके बाद जो है हमारा शिमला में एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है और उम्मीद है उस धरने को देखकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ हद तक पिघलेंगे, कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। अगर पेंशन बहाल नहीं करते उससे उसके बाद भी जो है हम इस संघर्ष को इस तरह जिंदा रखते हुए और तेज करते आगे तेज करते रहेंगे और जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तो हम इस संघर्ष को और तेज करते रहेंगे और इस आंदोलन को तब तक चलाए रखेंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं होती। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।